अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक और यूएस की तरफ से ही पार्सल रिसीव हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत कम यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग की वीडियो पड़ी हुई है यूएस वीजा की। कुछ लोग होते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दोबारा से कहते हैं हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये देखें, ये भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे यूट्यूब वीडियो की, यूएस वीजा की, और दिखाएंगे। ये भाई का यूएस का वीजा लग के आया है। चले जी, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही। ये जी इनका पासपोर्ट। इधर इधर आ गया। ये है जी इनका यूएस का वीजा लगा भाई का। ये हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है दोस्तों। ये यूएस का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम पे ये ऑलरेडी वीजा अपलोड किया, भाई ये आपका वीजा है, बहुत मुबारक हो आपको। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा लगा भाई का। यूएई में इनका वीजा प्रोफेशन दोस्तों आर्चीफ क्लर्क है और ज्यादा ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ट्रैवल हिस्ट्री यूएस नहीं देखता। फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। यूएस ने जस्ट आपका इंटरव्यू करना और इंटरव्यू में वही क्वेश्चंस होंगे जो हमने बताने। ये देखें दोस्तों, ये भाई का यूएस का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा है। इंस्टाग्राम समीर ब्लॉग 028 के नाम से, वहां पर जाके आप देख सकते हो, वहां पर ये वीजा अपलोड है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 5 ईयर मल्टीपल एंट्री और इंडियन पासपोर्ट पे 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा लगता है। आपने दोस्तों जाना, अपॉइंटमेंट का बहुत सारे लोगों को इश्यू आ रहा है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट मोर देन 1 ईयर की है, हमारे पास आए, हम आपको अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट करवा के देंगे भाई की। हमने विद इन अ मंथ अपॉइंटमेंट करवा के दी भाई, ऐसे ही विद इन अ मंथ करवा दी थी। हमने आपको टाइम दिया था कि हम इस टाइम में आपका अपॉइंटमेंट लेके देंगे, लेकिन हमने विद इन अ मंथ करवा दी थी आपकी अपॉइंटमेंट। ऐसे ही हुआ, हमने इनकी विद इन अ मंथ अपॉइंटमेंट करवाई। अब जरूरी नहीं हर बंदे की विद इन अ मंथ, जो हम टाइम देते हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपने एम्बेसी जाना है और जो हमने क्वेश्चन बताने हैं वही क्वेश्चन आपसे होंगे और इंशाल्लाह आपको वीजा मिलेगा। क्या वही क्वेश्चन किए गए थे जो हमने आपको बताए थे? बिल्कुल ऐसे, उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों, 3 to 4 क्वेश्चन है। अगर आप 3 to 4 क्वेश्चन ठीक दे लो तो आप भी यूएस का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, बांग्लादेश पासपोर्ट पे, और 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा इंडियन पासपोर्ट पे दोस्तों आप गेट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भाई आए थे हमारे पास, इन्होंने हमसे बोला कि हमने वीजा वगैरह करना है, और मैंने इनको यही सजेशन दी थी कि यार हम आपका ना यूएस का वीजा करते हैं। आपका यूएस आजकल बहुत ज्यादा वीजा दे रहा है, तो हमने B1 कैटेगरी में वीजा अप्लाई किया। B1 B2 भी हमारे वीजा लग के आए हैं, और जब भी वीजा लग के आता है तो वो B1 B2 का ही लग के आता है। वीजा होता है B1 B2 का, लेकिन अप्लाई होता है, ये देखें दोस्तों, ये है B1 B2, आप देख सकते हो ये लिखा भी हुआ B1 B2, और जो वीजा अप्लाई होता है वो B1 का होता है वीजा अप्लाई। कुछ लोग कहते हैं फैमिली के साथ, हम उनका B1 B2 में ले जाते हैं समटाइम। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में चला गया। एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू मैंने उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी भाई का एडमिन रिव्यू में चला जाए तो उसको भी घबराने की टेंशन नहीं, उसका भी वो वीजा होता है 99.9% वो वीजा होता है। बस थोड़ा सा टाइम लगता है उसके ऊपर, 2 वीक से 6 मंथ के दरमियान वो कभी भी आपको वीजा देते हैं। उससे पहले आपका स्टेटस जो शो करेंगे वो रिफ्यूज का करेंगे, फिर दोबारा एडमिन रिव्यू में जाएगा, और उसके बाद पासपोर्ट मंगवा के आपको वीजा लगा के रिटर्न कर देंगे, आपका वीजा लग के आ जाएगा। एम्बेसी में आपने जाना है, अबू धाबी हो या दुबई हो, कहीं पे भी हो सकता है आपका इंटरव्यू। हमने जो आपकी तैयारी करवानी है क्वेश्चंस की, हमने इंटरव्यू के ऊपर बकायदा से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। आपने जो हम चीज आपको बताएंगे बस जस्ट उसी को फॉलो करना है, आप आके अप्लाई कर सकते हो। कौन लोग एलिजिबल है यूएस का वीजा अप्लाई करने के लिए? ऐसे भाई जो के थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेते हैं, जैसे कि व्हाई यू वांट टू ट्रेवल इन यूएस, आप इसका आंसर दे लो, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू स्टे हियर इन यूएई, इतनी सी अगर आपको इंग्लिश आती है, बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताने हैं आप अगर वो तैयारी कर लो तो डेफिनेटली आपको यूएस वीजा देगा।
मैं आपको एक चीज बताता चलूं, कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ गिनती के चार पांच क्वेश्चंस हैं और मेन क्वेश्चन ये होते हैं कि आपने क्यों जाना है, वहां पे जाके क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप क्या काम करते हो, आपकी कंपनी क्या करती है, आप खुद क्या करते हो। ये बेसिक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। बस क्या होती है, हमारे लोग वहां पे जाके घबरा जाते हैं, अंदर जाके कहते हैं कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, बस वो जो कॉन्फिडेंस लेवल उनमें नहीं होता ना, उस वजह से वीजा रिफ्यूज करवा लेते हैं। और ऐसे भाई, अच्छा मैं एक चीज बता चलूं, दो बार पहले भी वीजा रिफ्यूज था इनका यूएस से। वीजा रिफ्यूज हो आपका ऑलरेडी यूएस से, पूरी दुनिया से रिफ्यूज हो, दोस्तों मैं आपका यूएस का वीजा लगवा सकता हूँ। यूएस ऑलरेडी रिफ्यूज हो, पहले कहीं का वीजा नहीं लगा हुआ और यूएस से रिफ्यूज हो चुके हो, दोस्तों आप मेरे कहने पे अगेन यूएस का वीजा अप्लाई करें, आपका इंशाल्लाह यूएस का वीजा लगेगा। अगेन बता रहा हूं, जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर डीएस 160 फिल करना है, उसको आपने बड़े एहतियात से करना है और कैटेगरी बड़ी मुनासिब तरीके से सिलेक्ट करनी है। आपका लेबर कैटेगरी के अंदर आ गया या लो प्रोफेशन के अंदर वीजा आ गया यूएई में, तो आप B1 B2 में जाओगे। अगर थोड़ी सी हाई कैटेगरी है या प्रोफेशन ठीक है आपका, फिर दूसरी कैटेगरी में हम आपको डालेंगे। जरूरी नहीं है हम एक ही कैटेगरी के अंदर सबका करते जा रहे हैं, हर बंदे की प्रोफाइल डिफरेंट होती है दूसरे से। बहुत सारे लोग कहते हैं जी B1 में करीजो, नहीं ऐसा नहीं है, हर बंदे की प्रोफाइल डिफरेंट है दोस्तों। अगेन सोच लें, आपकी प्रोफाइल आपके हिसाब से ठीक होगी, दूसरे की प्रोफाइल उसके हिसाब से, और आपने जब हमारे पास आना है प्रोफाइल बतानी है, तो उस प्रोफाइल को देख के मैं आपको सजेशन दूंगा आप किस कैटेगरी में मुनासिब है, वहां पे वीजा अप्लाई होगा। अच्छा, जब आपने इंटरव्यू दे लेना है, पासपोर्ट वो रखेंगे अपने पास, आपको एक व्हाइट पेपर मिलता है, चले व्हाइट पेपर पढ़ा हुआ दिखा दूंगा मैं आपको, फिर वो व्हाइट पेपर मिलता है जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशन का होता है और वेरी नेक्स्ट डे आपका अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाता है, और उससे अगले दिन, दो दिन पहले भाई ने इंटरव्यू दिया और दो दिन बाद इनको पासपोर्ट एम्पोस्ट के थ्रू, एमिरेट्स एम्पोस्ट के थ्रू इनको रिसीव हुआ। ये जी एमिरेट्स एम्पोस्ट, यहां से आप रिसीव कर सकते हो। और दोस्तों ऐसे भाई जो के रिफ्यूजल लगवा चुके हैं, जिनका वीजा प्रोफेशन एवरेज है, जिनको इंग्लिश थोड़ी सी आती है, ज्यादा नहीं आती है, एवरेज इंग्लिश है जिनकी, उनका सबका हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं आप सबका वीजा दोस्तों लग सकता है। ये देखना है वीजा आपने, तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे जाके मैंने वीजा अपलोड किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, इंस्टाग्राम आईडी, ऑफिस नंबर और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिस का एड्रेस भी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक में, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और आपका बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमारी सर्विसेज ली, हम पे बिलीव किया, पहले आपकी रिफ्यूजल लगी हुई थी, फिर भी आपने कहा मुझे चांस लेना है और मुझे अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।